नमस्कार, मैं हूं रजत। मेरा चैनल बैंकिंग विद रजत में मैं आपको स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा जो पिछला वीडियो सब है, जो SBI के लिए रिजोनिंग की म्याद है और सब है, आप उसे जाइए प्लेलिस्ट सर्च करिए और ज़रूर देखिए। और सबसे बढ़िया ट्रिक है जो रीजनिंग का या मैथ का सबका। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। जो SBI PO रिक्रूटमेंट अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। SBI तो 2000 पोस्ट के लिए अभी जो नोटिफिकेशन आ गया है, टोटल उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, सब डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। आप कहीं मत जाइए, टोटल वीडियो को शुरू से एंड तक आप देखिए, टोटल समझ पाओगे क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या क्या क्वेश्चन है, टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। टोटल मैं इस ओनली एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए पहले देखिए लिखा है अप्लाई डेट आपको मिलेगा 21/4/18 से 13/5/18, मतलब अप्रैल 21 से आपको मई 13 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। टोटल पोस्ट आपको मिलेगा 2000 पोस्ट अभी जनरल के लिए, लगभग जनरल के लिए 1010 है, OBC के लिए 540, SC के लिए 300, ST के लिए आप 150, टोटल पोस्ट है। फिर देखिए लिखा है क्वालिफिकेशन आप एनी ग्रेजुएट आर्ट साइंस कॉमर्स, आप जो भी स्ट्रीम में हो, एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए एज क्राइटेरिया क्या है, लिखा है एज क्राइटेरिया आप ओ अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल से, फर्स्ट अप्रैल में आपको 21 से 30 तक इसके अंदर ही आपका एज रहेगा। वो ओनली जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन OBC के लिए आपको 3 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, SC के लिए आपको 5 ईयर मिलेगा। एटा टोटल बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए प्रीलिम एग्जाम क्या होगा, मेन एग्जाम क्या कैसा रहेगा। देखिए प्रीलिम एग्जाम के लिए आपको टाइम फिक्स कर दिया, जैसे SBI क्लॉक में टाइम फिक्स कर दिया है, अभी SBI PO में भी आपको टाइम फिक्स कर दिया है। देखिए वो 30 मार्क इंग्लिश के लिए, 30 क्वेश्चन 20 मिनट, एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन है, आपको 20 मिनट, लगभग आपको एक घंटा में 100 मार्क देना होगा। ये था प्रीलिम एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम के लिए देखिए, मेन एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग मिलेगा 45-60 मिनट टाइम मिलेगा, DI आपको मिलेगा 35-45 मिलेगा टाइम मिलेगा, और जनरल इकोनॉमी जो भी बैंकिंग वर्न से आपको 40 क्वेश्चन आएगा आपके लिए 35 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा आपको 40 मिनट, टोटल 3 आवर, लगभग 3 आवर और 155 क्वेश्चन, जैसे कि IBS PO पैटर्न था वो मध्य ये सेम पैटर्न है। प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, देन आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा मेन एग्जाम के बाद, 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 50 मार्क क्वेश्चन जैसे कि SI letter सब मिलेगा, इसे आपको कीबोर्ड में आपको लिखना होगा। और लास्ट में आपको आएगा GD, 20 मार्क GD रहेगा, इंटरव्यू 30 मार्क रहेगा, देन आपको वो सब क्वालिफाई करने के बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा। देखिए इतना प्रोसीजर, मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम, GD, इंटरव्यू और लास्ट में अलॉटमेंट। देन देखिए क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। देखिए प्रीलिम एग्जाम में बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम जो आया था, मैं इस मन उसको जो बेस करके अभी इसे बनाया, नया पैटर्न में इसमें है। देखिए प्रीलिम एग्जाम में रीजनिंग में क्या क्या आएगा, देखिए इनक्वालिटी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिम, ये तीन, कम से कम 3 से 2 आपको मिल जाएगा, इधर इनक्वालिटी मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिम नहीं मिलेगा, सिलोजिम मिलेगा या कोडिंग डिकोडिंग, इनक्वालिटी नहीं मिलेगा। ऐसे होता है कि जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट में हर शिफ्ट में आपको कौन सा शिफ्ट में मिलेगा
वो कोडिंग डिकोडिंग और एक शीट में आपको मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग। इसलिए सब अलग अलग में शीट में आएगा और इनपुट आउटपुट तो मस्ट आएगा क्योंकि वो SBI एग्जाम है, आपको मिलेगा। और डाटा सफिशिएंट भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा और पजल में 10 क्वेश्चन मिलेगा। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको लाइन और सर्कल मिलेगा। पजल में आपको फ्लोर बेस, मिक्स पजल, मंथ बेस, वीकली बेस, जो भी पजल आपको मिलेगा। ये था रिजोनिंग पैटर्न। देखिए मैथ पैटर्न जो न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रीलिम के लिए आपको नंबर से मिलेगा 5 मार्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क, अप्रोक्सीमेशन सिंपलीफिकेशन जो भी है कि आएगा 5 मार्क। ए हो गया 15 और डीए आपको आ सकता है 1 या 2, डिपेंड करता है उसके ऊपर। आपको ऐसे ही DI वो जो 4 सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट ही मैथ आपको मिलेगा। टाइम वर्क, बोर्ड स्ट्रीम, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, SI CI, ये सब मिलकर आपको 10 मार्क, कम से कम 10 मार्क ही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था न्यूमेरिकल एबिलिटी। और इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विथ वोकैबुलरी, आपको 15 मार्क मिलेगा लगभग, या 10 मार्क मिलेगा क्योंकि वो क्लॉजिकल पैटर्न का प्रीलिम, सॉरी PU का प्रीलिम एग्जाम है, 30 मार्क क्वेश्चन। इसलिए आपको 10 10 10 ऐसा ही आ सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन 10, एरर 10 और क्लोज टेस्ट 10। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5 5 करके 5 चैप्टर आएगा, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन 5 आएगा, एरर डिटेक्शन 5 आएगा, पैरेंजेबल 5, क्लोज टेस्ट 5 और पैसेज 10, ऐसे ही हो सकता है 30 मार्क। तो इसलिए आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क लाने के लिए आपको पैरेंजेबल और सेंटेंस कंप्लीशन और क्लोज टेस्ट, ये जो 3 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वो स्कोरिंग टॉपिक है और पैसेज तो डिफिकल्ट आता है जनरली। ये था टोटल जो क्वेश्चन पैटर्न क्या है प्रीलिम एग्जाम में और प्रोसीजर क्या है, टोटल डिटेल में आपको बताया। ऐसा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। लास्ट में इतना बोलता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल बैंकिंग विद रजत। ऐसे ही मैं आपको नया नया वीडियो, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो, जो भी सबसे आगे मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।